अमेरिका के वाशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने किया हंगामा। संसद परिसर में किए गए इस बवाल में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा को देखते हुए वाशिंगटन मेयर ने 15 दिन की इमरजेंसी का ऐलान किया है। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं राजस्थान की आवाज़। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बने बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अमेरिका के वाशिंगटन में जमकर हुआ बवाल, कैपिटल हिल पर ट्रंप समर्थकों ने मचाया उत्पात। वाशिंगटन में कर्फ्यू, अब तक 4 की मौत। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यालय के अंतिम दिनों में अमेरिका के एक बार फिर हिंसा का रूप देखा है। इस बार वाशिंगटन स्थित कैपिटल हिल में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने जबरदस्त हंगामा किया। जब भारत में देर रात का वक्त था, उस वक्त हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थक को हथियारों के साथ कैपिटल हिल में घुस गए। यहां तोड़फोड़ की, सीनेटरों को बाहर किया और कब्जा कर लिया। हालांकि लंबे संघर्ष के बाद सुरक्षा बलों ने इन्हें बाहर निकाला और कैपिटल हिल को सुरक्षित किया। वाशिंगटन की हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। दरअसल कैपिटल हिल में इलेक्ट्रोल कॉलेज की प्रक्रिया चल रही थी, जिसके तहत जो बाइडेन की राष्ट्रपति बनने पर मुहर की तैयारी थी। इसी दौरान हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन में मार्च निकाला और कैपिटल हिल पर धावा बोल दिया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता में बनाए रखने, दोबारा वोटों की गिनती करवाने की मांग की जा रही थी। 4 लोगों की मौत। वाशिंगटन में इमरजेंसी कैपिटल हिल में चल रही कार्रवाई से इधर जब ट्रंप समर्थकों ने अपना मार्च निकालना शुरू किया तो हंगामा होते देख सुरक्षा को बढ़ाया गया। लेकिन ये बवाल थमा नहीं और देखते ही देखते सभी समर्थक कैपिटल हिल की ओर चले गए। सुरक्षा बलों ने इस दौरान उन्हें रोकने के लिए लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया। वाशिंगटन पुलिस के मुताबिक गुरुवार को हुई इस हिंसा में कुल 4 लोगों की मौत हुई है। इसमें से एक महिला की मौत पुलिस की गोली लगने से हुई है। जब पूरे इलाके को खाली करवाया गया तो ट्रंप समर्थकों के पास बंदूकों के अलावा अन्य खतरनाक चीजें भी मौजूद थी। अमेरिका के वाशिंगटन में हिंसा के बाद पब्लिक इमरजेंसी लगा दी गई है। वाशिंगटन के मेयर के मुताबिक इमरजेंसी को 15 दिन के लिए बढ़ाया गया है। समर्थकों के हंगामे से निशाने पर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने पहली बार इस तरह का बवाल नहीं किया है। इससे पहले भी ऐसे नज़ारे देखे जा चुके हैं, लेकिन कैपिटल हिल में घुसकर इस बार हद को पार किया गया। यही कारण रहा कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी इस विवाद की निंदा की, साथ ही इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराए। जो बाइडेन ने कहा कि ट्रंप को तुरंत देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने समर्थकों को समझाना चाहिए। हालांकि जब वाशिंगटन में पूरा बवाल चल रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप शांत रहे, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने समर्थकों से घर वापस जाने की अपील की। लेकिन इस वीडियो में भी चुनाव को लेकर फर्जी दावे करते नजर आए, जिसके बाद इस वीडियो को भी हटा दिया गया। जब सुरक्षा बलों ने कैपिटल हिल को ट्रंप समर्थकों के कब्जे से खाली करवा दिया, उसके बाद एक बार फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई। यहाँ सदन को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने इस पूरे विवाद की निंदा की और कहा कि हिंसा से कभी किसी की जीत नहीं होती। कई देशों ने बताया कि अमेरिका इतिहास का काला दिन। अमेरिका में इस तरह की बवाल की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन, कैनेडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो समेत अन्य कई राष्ट्रीय प्रमुखों ने इस हिंसा की निंदा की और अमेरिका इतिहास के लिए काला दिन करार दिया। दुनिया भर की मीडिया में अमेरिका हिंसा की घटना सुर्खियां बटोरे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वाशिंगटन में हुए हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। बता दें कि वाशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए राजस्थान की आवाज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।